गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे के बाद भी फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर शराब की अवैध बिक्री होती रही। एक मकान पर छापा मारा तो पुलिस और एक्साइज की टीमें भी हैरान रह गई। यहां भारी मात्रा में शराब छिपा कर रखी गई थी और ड्राई डे पर बेची जा रही थी। डे के ऊपर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ड्राई डे था और ड्राई डे के ऊपर हम छापेमारी कर रहे थे तो मुखबिर ने सूचना दी कि भाई करमबीर फतेहपुर गांव का है, उसके घर में काफ़ी मात्रा में दारू है और जो एक्साइज टीम साथ लेकर हमने इसे यहाँ रेड की तो लगभग 75 के करीब जो है पेटियां दारू मिली। अभी जांच की जा रही है कि कहाँ से लेके आता है और कहाँ कहाँ। शराब का ये जखीरा फरीदाबाद के घर में खास तौर पर ड्राई डे के लिए जमा किया गया था ताकि इसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। कल यानी गणतंत्र दिवस पर ये गोरख धंधा भी हो रहा था, लेकिन मुखबिर की खबर के बाद पुलिस और एक्साइज की टीमें यहां पर पहुंच गईं और इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। देखिए, पेटियों के साथ बोरों में भी शराब की बोतलें छिपा कर रखी गई है। घर के हर कोने में शराब मिली। काफी देर तक पुलिस और एक्साइज की टीमें शराब की पेटियों को बाहर लाकर एक जगह पर जमा करती रही। कुल 75 पेटियां इस घर से बरामद की गई। इसका 61 में पेनल्टी बनती है, जो भी कानून के अनुसार एक्साइज पॉलिसी के अनुसार तय किया गया हरियाणा सरकार ने, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। छापेमारी के दौरान शराब माफिया तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने सारी शराब जब्त कर ली। अब शराब माफिया की तलाश जारी है।